वाओ, एनी ने खुद के लिए एक नई कार खरीदी है, ये कूल है। और यहाँ अपनी नई कार में वेंसडे है। अरे उसने भी मेरी तरह की कार खरीद ली है। नहीं, तुमने मेरी तरह की ली है। लड़कियों चलो लड़ो नहीं, तुम्हारी कारें बहुत अच्छी हैं। इस बहस में क्यों पड़ना कि पहले किसने खरीदा। ओ, लगता है चुनौती शुरू हो रही है। ला 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 ला, मेरा रेनबो पार्सल आ गया है। वह क्या कर रही है, क्या यह कार को सजाने के लिए है? यह सही है, मैं एक रेनबो यूनिकॉर्न कार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बस एक नरम रेनबो कालीन लटकाना होगा। पूरी कार को कालीन से ढकना जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी और वेंसडे की कारें एक जैसी हों। ओ हाँ, पहियों पर रेनबो के बारे में नहीं भूलना है। और एक सींग के बिना कैसा यूनिकॉर्न। और यह तैयार हो गया। वाह एनी, तुम्हारी कार बहुत ही जादुई और सुंदर लग रही है। वेंसडे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, मैं इस रेनबो पागलपन पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी कार को अपने अंदाज में सजाऊंगी। बस केवल अपनी जरूरत की हर चीज को ऑर्डर करना है और अपना काम हो गया। वाह, कुरियर आ भी गया, और ये भी इतनी जल्दी। ओह, यह कौन है? हाँ, यह क्वेंटिन है, वह काउंट ड्रैकुला के लिए काम करता है। धन्यवाद। अच्छा तो मेरे पास क्या है? ब्लैक स्प्रे, मेरे फेवरेट काले रंग में कार को जल्दी और सफाई से पेंट करने का एक अच्छा विकल्प। वह सफेद भयानक लग रहा था। अब यह तैयार हो गया। बेशक मुझे सजाने के लिए कुछ चाहिए। मुझे एक वैम्पायर कार चाहिए। क्विंटन मेरी प्रेरणा है। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात न भूले, नोकीले दांत। मेरी कार इतनी डरावनी होगी कि डर के मारे सांसें रुक जाएंगी। यह किस तरह का अंधेरा है? ओह, क्या यह वेंसडे की नई स्टाइल की कार है? वेंसडे, एनिट तुम्हारी कारें बहुत अच्छी लग रही हैं। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एनिट, क्या तुमने फिर से कार के लिए कुछ ऑर्डर किया? हाँ, ये छोटी चीजें हैं, कार के इंटीरियर के लिए कुछ खिलौने, नहीं तो ये अंदर बोरिंग होगा। मैं सीटों पर रेनबो कारपेट लगाऊंगी। ओ यार, पे कितने मुलायम और सुंदर है। चलो पीछे की सीटों के बारे में भी नहीं भूले, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आमतौर पर पीछे बैठते हैं, ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। चलो स्टीयरिंग व्हील कवर को ना भूले, नरम, मेरी पूरी कार की तरह। यहाँ ज्यादा रेनबो कारपेट नहीं है, इसलिए थोड़ा और कवर करना बुरा नहीं होगा। मेरा फेवरेट हगी वगी, कोई भी ट्रिप इसके बिना नहीं हो सकता। हमें रेनबो यूनिकॉर्न और दूसरे सॉफ्ट टॉय के बारे में नहीं भूलना चाहिए। बहुत कम काम बचा है और मेरी कार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वाव एनी, तुम्हारी कार का इंटीरियर बस कमाल का लग रहा है। मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ूंगी, मैं भी इंटीरियर करूंगी और इससे कहीं सुंदर। मेरे पास अपनी सीटों के लिए काला कारपेट है। चलो इस पर बहुत सारे काले तकिए डाल देती हूँ और मेरा फेवरेट हगी वगी डाले, जो हाल ही में जल गया था और काला हो गया है। चलो स्टीयरिंग व्हील कवर को नहीं भूले। मैं अभी से ही कल्पना कर रही हूँ कि मैं रोड पर गाड़ी चलाऊंगी और मेरे हाथ इस नरम स्टीयरिंग व्हील पर होंगे। बहुत कम काम बचा है, यहाँ मेरा दोस्त रहेगा लटका हुआ। बस और कॉबवेब्स भी लगा देती हूँ, यहाँ खोपड़ी लगा देती हूँ, मकरी खोपड़ी सब एक साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तुम्हारे इस इंटीरियर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओह, क्या वो तुम्हारा एक और दोस्त है? ओह, यह क्या है? हेलोवीन? ओह, यह कितना भयानक है। क्या तुम मेरे दोस्त से मिलोगी? हेलो वेंसडे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम कुछ ठीक कर रही हो? ठीक, मुझे वक्त चाबी दे दो। हाँ ठीक, जल्दी। धन्यवाद। ओ एनिड, हाय, तुम कैसी हो? वेंसडे यहाँ कुछ कर रही है, पर हमें अभी तक पता नहीं कि क्या। हाँ, अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। थिंक की, अरे थिंक कहाँ है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी आलसी, बस काम ना करने का कोई बहाना चाहिए। एक बार मैंने मदद मांगी और तुम भाग गए। तुम कहाँ हो बदमाश? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाहर आओ, वह कहीं नहीं मिल रहा है। क्या वह नर्क में चला गया? थिंग, मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगी। ओ, यह बीच सड़क पर कैसी लाइन है? अजी, वे किस लिए खड़े हैं? एनिट, यहाँ क्या हो रहा है? हेलो वेंसडे, मैं और थिंग ने मिलकर ट्रंक में ब्यूटी सैलून खोला है, तुम्हें कैसा लगा? थिंग, तुमने क्या किया? तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
मैंने काफी दिनों से अपनी ट्रंक के गुलाब की कटिंग नहीं की है। अभी जबकि मेरे पास समय है तो मुझे यह कर लेना चाहिए। मेरे गुलाब की महक अद्भुत है, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। कितना सुंदर है, मुझे लगता है कि यहाँ केवल मेरा प्यारा खरगोश गायब है। ओ वेंसडे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डर गई थी। तुम्हारा खरगोश एकदम बर्फ की तरह सफेद दिखता है। चलो देखते कि मेरे पास ट्रंक में क्या है। क्या तुम चाहती हो? बेशक, हुर्रे, वेंसडे की यहाँ पार्टी है। तो तुम्हारे पास यहाँ क्या है? रुको, तुम्हें अपनी आँखें बंद करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ऐसे अवसर के लिए एक रेनबो स्कार्फ है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। ओ एनी, तुम्हें यह सरप्राइज पसंद नहीं आएगा। यह सब कुछ बहुत ही डरावना और भयानक है। ओह, मैं भूल गई, यह वेंसडे का ट्रंक है और ऐसा होना स्वाभाविक है। एनी, जरा संभल कर, यह सब बहुत डरावना लग रहा है। मुझे उम्मीद है अगर सांप नहीं तो चूहे तुम्हें जरूर खुश करेंगे। वहाँ क्या है? कुछ नरम। कितना दिलचस्प है वेंसडे। मुझे वास्तव में सरप्राइजेस पसंद है, इसलिए मुझे बताना। मैंने कुछ नरम और छोटा पकड़ लिया है। क्या ये खिलौना है? एक मिनट रुको, यहाँ क्या है? यहाँ कुछ स्लाइमी है, मुझे सांप की तरह लग रहा है। लेकिन वेंसडे के पास कहाँ से आएंगे? अरे नहीं, ये क्या सांप? मुझे सांप से डर लगता है। क्या कह रही हो? सांपों से डर लगता है? हुर्रे, वेंसडे अब अपना सेलो बजाने जा रही है। मैं काफी दिनों से सुनना चाहती थी। मेरे कानों में कैसी अब भयानक आवाज आ रही है, बंद करो इसे। केवल एनी ऐसे टॉर्चर म्यूजिक को सुन सकती है। मैं इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी चालू नहीं करूंगी। क्या अच्छा है कि मैंने अपने ट्रंक में नए स्पीकर खरीदे हैं। बॉब, चलो तुम्हें दिखाए कि असली म्यूजिक क्या होता है। वाह, क्या हम कोई म्यूजिक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं? कितना अच्छा। एनी कैसे जवाब देगी? यह क्या है? क्या बिल्लियाँ खिड़की के नीचे चिल्ला रही हैं? वेंसडे अपने सेलो के साथ। वेंसडे, तुमने मेरे दोस्तों को डरा दिया है। क्या हम इसे शांति से कर सकते हैं? यह क्या है थिंग? क्या तुम इस म्यूजिक को बना रहे हो? मैंने तुम्हें एक शांत और अधिक क्लासिकल सिम्फनी सिखाई थी और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुरंत डांस करना चाहती हूँ। ओह नहीं एनिट, खैर मैं मानती हूँ कि यह राग बहुत अच्छा है। मुझे भी डांस करने का मन है। लड़कियों, कितना अच्छा, तुम्हें साथ में कुछ पसंद आया। म्यूजिक सभी को साथ ले आता है। थिंग, तुम एक जीनियस डीजे हो। होता है, कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े थी। उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केट। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुँह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। इस केक को बिना कीड़ों को तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता, फिर से कीड़े। मैं इसे तंग आ चुकी हूँ, मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है, इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट, तुम मेरे लिए चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो? प्लीज प्लीज। क्या बकवास कर रही हो, इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
मैं हार गई। मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे जाने दो। कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी। कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला? स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, यह स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे यह केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था? तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी, इसका स्वाद बेहतर होता है। और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे यह काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखें कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है। मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता आग लगने वाली है। मम्मी मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है। मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ। कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह इतनी सारी वैरायटी, तुम मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो। देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि ये केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा, मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनीक्योर वाले बिल्कुल सही है।
मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है। जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है? मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे चोट पहुंचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है। मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया। यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता। यह बहुत बढ़िया बात है। हेलो दोस्तों। वाओ, वाओ, यह आइसक्रीम मुझे भी चाहिए। वह कौन आया है? हेलो, क्या हालचाल है? कितना हैंडसम है। हेलो, क्या हो गया? अच्छा है, अब मैं आराम से तुम्हारा आइसक्रीम खा सकता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यह मेरा है। वाह, अब यह आइसक्रीम मेरा है। बहुत अच्छा। दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट था। ये किसने किया? तुम इतनी खराब क्यों हो? अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो देखते हैं अंदर क्या है। हाँ बस इतना ही। हम तीनों के लिए सिर्फ एक कुकी। एक्सक्यूज मी, ये काफी नहीं है। हम क्या करेंगे? मुझे पता है, चलो कार्ड उठाते हैं। ओह, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बुरा हुआ। अगर मैं जल्दी से कर लूँ तो? नहीं, तुम हमारे कुकी नहीं छू सकते हैं। अब मैं कार्ड उठाती हूँ। ये मैं इसका बाइट ले सकती हूँ। अच्छा, मतलब मुझे चाटना होगा। मुझे खाने का मन था। आज किस्मत वाली सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। सामंता, मैं पहले जा सकती हूँ? हाँ, तुम्हें खाना थोड़ी ना है। खा नहीं रही हूँ, पर मैं इसका सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग चाट सकती हूँ। क्या तुमने थोड़ा भी नहीं छोड़ा? चिंता मत करो, अब तुम ये मेरे थूक के साथ खाओगी। यह लो, अब तुम इसके मजे लो। कितना भयानक। ची ची, ऐसा लग रहा है कि किसी कुत्ते ने मेरा मुंह चाट लिया हो। अरे यार, मेरे ऊपर क्यों फेंका? उफ। चलो खोलते हैं। क्या इस बार मैं करूं? देखते हैं अंदर क्या है। ओ, लगता है ये कैक्टस है। शायद ये चॉकलेट हो। देखना होगा। नहीं, चुप गई। ये असली है। अरे कितना बुरा। मुझे पता है मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ बैंडेड है, तुम्हें इसकी ही जरूरत है। धन्यवाद जैक, तुम एक अच्छे दोस्त हो। लगता है अब समय आ गया है कार्ड उठाने का। ओके। वो ठीक है। ये बहुत अच्छा, मुझे ये नहीं छूना होगा। मुझे चाटना होगा। और मुझे इसका बाइट लेना होगा। क्या हो रहा है? चलो फिर तुम शुरू करो। मैं क्यों? तुम शुरू करो। नहीं तुम। क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ये तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा। बस बहुत हो गया। क्यों ना रॉक पेपर सीजर खेलकर मामला सुलझा ले। ओके। अच्छा आइडिया है। रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गई। तो जैक, तुम्हें पहले यह चाटना होगा। अरे यार, ठीक है। कितना दर्द हो रहा है। ओ बेचारा जैक। अरे ये बस मजाक था। देखो ये जीव असली नहीं है। कितने शरारती हो तुम। चलो अब असल में इस कैक्टस को चाटो। ठीक है, वैसे मैं रिस्क भी उठाऊं अगर मैं इस कैक्टस को एकदम ठीक कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल कटीला नहीं होगा। अरे ध्यान से। हाँ, सीधा उड़कर हमारे ऊपर आ रहे हैं।
मैं कांटों में ढक गई हूँ तुम्हारी वजह से जैक। अब मैं आराम से इस कैक्टस को चाट सकता हूँ और एम्बर इसका बाइट लेगी। हाँ खा कर देखती हूँ। मेरा कोई काम भी नहीं था पर फिर भी मैं कांटों में ढकी हुई हूँ। जैसा भी हो कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा होता है। फिर से मेरे ऊपर क्यों? क्या हो रहा है? सब एम्बर ने किया है। यह कैसे बदबू है? लगता है ढक्कन के नीचे से आ रही है। पता लगाना होगा अंदर क्या है। ओके। इसी बात का डर था, यह मछली है। छी, कितना बुरा। उफ, बहुत खराब। कार्ड उठाना होगा। उफ, मुझे यह चाटना होगा। ये मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह क्या हुआ? घर छोड़ो। तो फिर मुझे यह खाना होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ तुम्हें करना ही होगा, पर चलो पहले मैं चलता हूँ। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है पर यह करना ही होगा। एक मिनट रुक जाओ, हम इंतजार नहीं करेंगे, मैं मदद करती हूँ। अब यह जल्दी कर रहा है। छी कितना गंदा। तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बदला लेकर रहूंगा। ये लो अपनी मछली खाओ। ये तुमने क्या किया? मैं तैयार नहीं थी, मुझे उल्टी हो जाएगी। उफ, कितनी बदबू आ रही है। पर बस इतना ही नहीं है, अभी भी आधी मछली बची हुई है। मुझे छोड़ दो यार। ओह चोट लग गई, यार क्या किया? चलो खोलते हैं। हाँ चलो। वाह कितना बड़ा केक, मुझे ये खाने का बहुत मन है। रुक जाओ पहले कार्ड लेने होंगे। और यह तैयार है, ये लो। वाह मैं चाट सकता हूँ, ये मैं खाऊंगी। मुझे कुछ नहीं मिला, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं भी केक खा कर रहूंगी। ओ, कितना स्वादिष्ट है, मैं तो ये दिन भर खा सकती हूँ। हाथ दूर रखो, ये तुम्हारा केक नहीं है। शेयर तो कर सकते हो। नहीं ये हमारे लिए भी काफी नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो केक मेरा भी है। कितना स्वादिष्ट। बस जैक अब तुम्हारा हो गया। तुम क्या कर रही हो? ओ, मेरे नाक पर केक है, बहुत अच्छा। तुम सही कह रहे थे, यह केक कमाल का है। सुनो सामंथा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? Please. मैं कैसे दूं, यह केक मेरा है। अच्छा ऐसा है, तो यह लो। यह क्या किया? लो। अरे मत फेंको। तुम दोनों मस्त लग रहे हो। पता नहीं अंदर क्या होगा। ओ, लगता नहीं कि इसका स्वाद अच्छा होगा। यह कितना खराब है, बहुत बुरा। मुझे यह खाना होगा। ये मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे क्या मिला है? ठीक है इसे चाटना मुश्किल नहीं होगा, अगर मैं अपनी नाक पर पिन लगा लूं, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पिन हटा दिया जाए तो तब मजा आएगा ना। उफ, कितना गंदा, मेरी पिन वापस दो। जैक अब तुम चलो। अरे नहीं मैं ये नहीं खा सकता, ये बहुत खराब है। पर खाना ही होगा। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ,
चलो मैंने खा लिया। आखिरकार ताजी हवा। हाँ कितना अच्छा। तुम दोनों ज्यादा जल्दी खुश हो गए हो। अरे नहीं फिर से वो बदबू, मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। उप्स, मैंने कुछ नहीं किया। चलो साथ में देखते हैं। वाह हब्बा बब्बा। हाँ और अब बस कार्ड लेना बाकी है। मुझे क्या मिला है? What? Oh, no! मैं ये नहीं खा पाऊंगा। okay. और मैं इस गम का पूरा मजा लूंगी। बहुत बढ़िया। चाटना, पर गम को तो चबाया जाता है। यह लो, पकड़ो, तुम पहले चलो। हाँ क्यों नहीं, आशा है ये स्वादिष्ट होगा। वाह बिंगो। पर मैं सिर्फ इसे चाटू ही क्यों, अगर इसे पूरा खोला जा सकता है यह जरूर और अच्छा होगा। तुमने ये पूरा बर्बाद कर दिया। बस बहुत हुआ, यह मुझे दे दो। उफ, अब ये कितना गंदा हो गया है। मुझे तो स्वादिष्ट लगा। नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, बहुत ही खराब है। अरे पर मैं इसके साथ क्या करूंगा। Hey, you.